अस्सलामुअलैकुम, आप सब लोग कैसे हैं। आज मैं आपके लिए फिर एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लाई हूँ, आलू बुखारे की चटनी की। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है और फटाफट बन जाती है। इसको बनाना बहुत इजी भी है, कोई मुश्किल बात नहीं है। आप इसको नाश्ते में भी बना ले सकते हैं, पराठे के साथ या नान के साथ। आप इसको कोई आपके घर में दावत हो तो बना के रखिएगा, मेहमान बहुत पसंद करेंगे। आप ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। चलें अब रेसिपी देखते हैं। आलू बुखारे की चटनी के इंग्रेडिएंट्स ये हैं। 250 ग्राम आलू बुखारा, ड्राई आलू बुखारा, इसको हमने 2 घंटे के लिए सोक किया हुआ था पानी में। 250 ग्राम ही चीनी डलेगी इसमें। 2 टेबलस्पून चार मगज, 8 से 10 बादाम छिले हुए, इनको हम 2 हिस्सों में काट लेंगे, और 1 पिंच, 1 चुटकी नमक का। पैन लेंगे और जो आलू बुखारे हमने पानी में सोक किए हुए थे वो इस पैन में डाल देंगे पानी समेत। अब एक बॉईल आने का हम वेट कर रहे हैं। बॉईल आने के बाद हम सारी चीनी इसके अंदर डाल देंगे। अभी अच्छी तरह से इसमें बॉईल आ चुका है, अब हम इसमें सारी चीनी डाल देंगे। चम्मच चलाएंगे। चीनी हम इसमें डाल चुके हैं, हम अब इसमें नमक डाल रहे हैं और इसको इतनी देर तक पकाएंगे कि शीरा इसका गाढ़ा हो जाए। ये देखिए अब शीरा बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है, बस हम इतना ही इसको रखेंगे। और अब हम इसमें नट्स को ऐड करेंगे, और इस बात का ख्याल रखना है कि जो ऊपर झाग बन रहे हैं ना, ये हम साथ साथ रिमूव करते जाएंगे। ये हमने बादाम डाले हैं। अब हम ये चारों मगज़ डाल रहे हैं। चूल्हा बंद कर दिया है, ये देखिए फ्लेम बंद कर दिया है, क्योंकि ये अच्छी तरह से गाढ़ा हो गया था। अभी ठंडा होके ये और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, इसलिए इसको यहीं तक रखेंगे। ये देखिए हमने इसको डिश आउट कर लिया है। कितनी अच्छी लग रही है, देखने में जितनी अच्छी लग रही है खाने में उतनी ही मज़ेदार होती है, और इजी भी है, जल्दी भी बन जाती है। किसी भी खाने का मज़ा ये दुबला कर सकती है। खाना खाने के बाद साइड में आप इसको वैसे भी खा सकते हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें, और ये कुछ इस तरह से होगी जब आप इसको चमचे में इस तरह से करेंगे तो इसी किस्म से ये गाढ़ी होगी। ये देखें, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। बहुत मज़े की। अभी थोड़ी गर्म है क्योंकि अभी भी बनी है, लेकिन फिर भी बहुत मज़े की लग रही है। इसलिए नहीं कि हमने बनाई है, बल्कि वाकई बहुत मज़े की है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी होगी और आप इसको अपने घर में ज़रूर बनाएंगे। मैंने थोड़ी देर पहले इसको टेस्ट किया था जब मैं ये वीडियो बना रही थी, और तब से अब तक मेरी ज़बान से इसका जायका गया नहीं है। ये इतनी मज़ेदार बनती है। चलें जी, अब आपको अल्लाह हाफिज़ कहते हैं। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।